जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में 11 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और मैनपुरी सीट से बीएसपी पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया है। बीएसपी पार्टी ने पांचवी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसमें बदायूं से मुस्लिम खान को उतारा है और बरेली से चोटीलाल गंगवार को टिकट मिला है। सुल्तानपुर से उदराज वर्मा को प्रत्याशी बनाया है और फरुखाबाद लोकसभा सीट से क्रांति पांडे को टिकट दिया गया है। बांदा से मयंक द्विवेदी चुनाव लड़ेंगे और डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन चुनाव लड़ेंगे। बलिया से लल्लन सिंह यादव को उतारा गया है और जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से सपा ने सांसद अफजल अंसारी को प्रत्याशी बनाया है और वाराणसी सीट से बीएसपी पार्टी ने पीएम मोदी के सामने अधर जमाल लारी को उतारा है। इसके अलावा बीएसपी पार्टी ने मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अपना उम्मीदवार बदला है। यहाँ से बीएसपी ने गुलशन देव साक्या का टिकट काट दिया है और उनकी जगह शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है। जौनपुर से श्री कला रेड्डी को टिकट मिला है क्योंकि उनके पति धनंजय सिंह खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। इस वजह से बीएसपी ने उनकी पत्नी पर विश्वास जताया है। श्री कला रेड्डी साल 2021 में जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में उन्हें 43 वोट भी मिले थे। श्री कला रेड्डी मूल रूप से तेलंगाना की रहने वाली हैं और बड़े कारोबारी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिता जितेंद्र रेड्डी भी विधायक रह चुके हैं। उनकी माँ ललिता रेड्डी अपने गांव की सरपंच रह चुकी हैं। श्री कला रेड्डी धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी है और पिछले 8-10 दिनों से श्री कला रेड्डी जौनपुर में ही है और लगातार लोगों से मिलजुल रही हैं। बीएसपी पार्टी की जौनपुर सीट जीती हुई सीट है। पार्टी को पूरा विश्वास है कि इस बार भी जौनपुर से उनका उम्मीदवारी जीतेगा। थैंक यू।